गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोबारा बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं. दिस इज़ अ टाइम फॉर द न्यू ब्लॉग टू कम आउट एंड डेफिनेटली ऐसे हम लोग हर ब्लॉग में एक थीम के साथ हैं. तो आज का थीम है हॉट समर डे. हमें पता ही है गर्मी, देखिए बाहर कितना तेज़ धूप पड़ रहा है. सो एवरी वेयर पीपल आर यू नो हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. आई होप सो समर के डेज अब कम हो जाए. बट येस रेनी डेज भी है, बट देन ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई हियर. तो हम कैसे बचे इस समर से? आइदर वी गो टू अ चिल डेस्टिनेशन या हिल स्टेशन, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है. तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ आप कहाँ जाना चाहते हैं जो सिलगुड़ी से बहुत पास है, एंड दैट टू अ न्यू स्पॉट, अ न्यू डेस्टिनेशन. तो हम आप सबको एक नया डेस्टिनेशन और एक नया स्पॉट में ले जा रहे हैं, ताकि यू नो यू कैन यूज़ द डेस्टिनेशन टू ट्रैवल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैव अ वेरी गुड डे. पर जब तक हम स्पॉट में नहीं जा पहुँचते, थोड़ा सा सरप्राइज बना रहे. मिलते हैं आपको डायरेक्टली स्पॉट में. थैंक यू गाइस. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't. ओके, अब हम लोग फाइनली हमारी स्पॉट की तरफ एंटर कर रहे हैं, इसीलिए ये जगह जंक्शन देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. सो दिस इज़ द वे टू दुधिया. दुधिया ब्रिज जस्ट हमने क्रॉस किया है, एंड अगर हम लोग यहाँ से राइट ले लेंगे अपहिल, तो ये टुवर्ड्स मिरिक चला जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट, यू गो स्ट्रेट डाउन. सो ये जैसे टेक अ टर्न, एक तरह से कलवर्ट है, एंड देन ये फ्रॉम हियर वी टेक अ straight way up to our spot where you're going to reach. Yes. So please bane rahe aur vlog dekhte rahe. I hope you'll have a great time today with me. By the way, a small update hai ki ye jagah on the way to this picnic spot, aapko bahut sare farm stays aur home stays milenge. जैसे ये वन ऑन द कॉर्नर आप देख रहे हैं, डेनीज फार्म स्टे. सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन कम स्टे. सो फाइनली हम पहुंच चुके अपने स्पॉट पे, एंड यस आज का स्पॉट का नाम है मुक्ति खोला. ऐसा नहीं है कि लोगों ने सुना नहीं है मुक्ति खोला के बारे में, बट हाँ ये एक ऐसा है डेस्टिनेशन है वेयर पीपल डोंट कम वेरी ऑफन. अगर आप ऐसे वीकडेज में भी आएंगे तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहता है ये प्लेस. बट रिसेंटली अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मुक्ति खोला. वन रीज़न इज़ बिकॉज जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इज़ बिकॉज मुक्तिनाथ की मतलब है हमारे लॉर्ड शिवा. तो उनका एक टेम्पल बना हुआ है यहाँ पर, एंड जस्ट मुक्तिनाथ टेम्पल जो है मुक्ति खोला उसी के नाम से है. सो मुक्ति खोला ये टेम्पल के पास से बहती है. सो मैं आपको दिखाऊँगा कि आज तो संडे है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. मेरे पीछे देखिए एक स्पॉट है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. इट्स अ ब्रिज हियर, एंड जस्ट ब्रिज के जस्ट पीछे बहुत सारे लोग यू नो एंजॉय. द वाटर इज़ वेरी वेरी क्लीन एंड क्लियर हियर, सो इट्स वेरी नाइस. और ब्रिज की उस तरफ देखिए, आज तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं.
द बेस्ट पार्ट इज़ द वाटर इज़ वेरी क्लीन, उतना डीप नहीं है तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम हियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये पूरा रोड मोटरेबल है, मतलब एक्सेसिबल है, आप अपने गाड़ी तो फोर व्हीलर दोनों लेके आ सकते हैं। इट्स ईजीली एक्सेसिबल बाई बोथ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। बहुत सारी गाड़ियाँ देखे आ रहे हैं यहाँ पर। रोड इज़ क्वाइट वाइड एनफ टू बी ट्रैवल्ड। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ टेम्पल के अंदर एंड देखते हैं कि माई फैमिली हैज़ गॉन देयर टुडे टू मेक सम प्रेयर्स, क्योंकि ये सावन का महीना है। ऑफकोर्स सावन इज़ कमिंग टू एन एंड नाउ मंथ सावन, बट स्टिल कुछ लोग जाके मन्नत मांगना चाहते हैं, प्रे करना चाहते हैं। सो लेट्स सी द टेम्पल फ्रॉम इनसाइड। सो देखिए हम चुके हैं, नंदी देव हैं यहाँ। सो हम लोग अभी मंदिर दर्शन करने के बाद अभी जो इस जिस जो ये टी गार्डन है जो मुक्ति खोला के जस्ट अबव है, सो हम लोग ने वहाँ पर ऊपर आके, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, आई वुड नॉट सजेस्ट टू कम हियर टू मच, क्योंकि राइट नाउ द रोड इज़ नॉट इन अ गुड शेप। तो टू व्हीलर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं, बट फोर व्हीलर्स के लिए काफ़ी अनटिल अनलेस आपके पास एसयूवी है, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू कम टू दिस स्पॉट। अदरवाइज रास्ता बहुत अच्छा, मतलब व्यू तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो विल जस्ट हैव आवर लंच हियर, सो आप सबको मैं दिखाते हुए जाऊँगा कि कैसा है यहाँ का माहौल जैसे हम लोग लंच कर रहे हैं। बट यहाँ पर एंजॉयमेंट और पार्टी तो पहले से स्टार्ट हो चुका है। ये जो आपको देख रहे हैं नीचे एरिया है वो दुधिया है, और ये अपने प्लेन से सिलीगुड़ी की एंड अदर सिटी जो धुंधला सा आपको दिख रहा है। आज काफ़ी सारा स्मॉग है, तो दिख रहा है आपको कितना पोल्यूशन है सिटी के अंदर, सो दैट इज़ अ स्मॉग। सो वो सिलीगुड़ी है, सो एंड बेसिकली शहर के शोर शराबे से दूर 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 हम लोग जस्ट इन द मीट्स ऑफ नेचर है, मदर नेचर। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, ये जगह बहुत ही सुंदर और सूदिंग है। इट जस्ट दैट यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस इट। ससुराली टेके पची साली मन पर्यो, ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो।
ये सामस्तानी मदहोश किए जाए। हाँ जी, ये गाना गुनगुनाने का दिल कर रहा है जैसे ये वीडियो एंड की तरफ आ रहा है। बुरा तो लग रहा है, बट आई होप सो हमने बहुत एंजॉय किया ये वीडियो बनाने में, एंड आई हैड अ वेरी फन डे। आई होप सो जितने मेरे व्यूअर्स है एंड पीपल हु लाइक मी, आपको भी उतने मज़ा आएगा देखने के लिए। मेहनत किया है और हम लोग सीख भी रहे हैं, गलतियाँ यहाँ वहाँ हो ही जाती है, तो माफ़ कर दीजिएगा। बट होप सो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हमारे साथ ये सफ़र में आगे बने रहिए और जुड़े रहिए। हम जाएंगे फिर से न्यू जर्नी, नए डेस्टिनेशन, और मिलते हैं नए लोगों के साथ। बाय बाय, नमस्कार।